हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग कर रहे हैं उन लोगों का पेशेंस के साथ करना पड़ता है। जैसे बीपीएससी का स्पेशली देखा जाए तो 3 साल में बच्ची सफलता प्राप्त की है, तो हम बच्ची सफलता प्राप्त की, हमको लग रहा है कि हम सफलता प्राप्त किए हैं। जल्दी 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 पढ़ते रहते थे, 1 मिनट भी टिफिन में भी इधर उधर नहीं करते थे। के बच्चे को पढ़ाए और अच्छा ढंग से बिहार का बच्चा प्रोग्रेस करे, यही मेरा कामना है। और फिर बीपीएससी निकाली है तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो है बीपीएससी जो है क्रैक कर चुकी है, अनुप्रिया के घर पे है और देख सकते हैं काफ़ी जो है लोगों का जो है आना शुरू हो गया है, बधाई भी मिल रही है। ऐसे में उनके माता पिता जो है हमसे बात करने के लिए, खास बातचीत करने, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है जब जीवन मेरा सफल हुआ, हमारी बच्ची सफलता प्राप्त की है, तो हम बच्ची सफलता प्राप्त की, हमको लग रहा है कि हम सफलता प्राप्त किए हैं। हम अपने बच्चे को सफल बनाने में सक्षम हुए, मेरी बच्ची भी साथ दी, वो भी मेहनत की, और इसमें हम कारी साहू का धन्यवाद देते हैं, कारी साहू सर जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्ची को बहुत अच्छा गाइडलाइन दिए, उनके गाइडलाइन से ही वो शुरुआत की। पहले पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में तो उस जन्म से ही अच्छी थी। शुरू में सरकारी स्कूल में जब सुबह नहीं जा पाती थी कांटी, तो यहाँ सरकारी स्कूल सामने है, बहुत छोटी थी भेज देते थे, टिफिन में सब बच्चा खेलता था, आ वो जल्दी 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 पढ़ते रहती थी, 1 मिनट भी टिफिन में भी इधर उधर नहीं करती थी। वो बचपन से ही बहुत संघर्षशील थी, पढ़ने में बहुत संघर्षशील थी, भगवान उसका मेहनत सफल कर दिए। और हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए अनुप्रिया जी हैं, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, काफी टाइम मेहनत करने के बाद ये अचीवमेंट हुआ है। संघर्ष कितना रहा? संघर्ष ये कहेंगे, अभी ऑलरेडी जॉब में है तो जॉब के साथ इस चीज को मैनेज करना, ये चीज काफी संघर्षफुल रहा कि डे टाइम में ऑफिस का काम पूरा करना है, इसके बाद भी जो चीज मेरे को चाहिए उसके लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करना, टाइम निकाल निकाल के उस चीज पे वर्क करना, ये चीज मेरे लिए बहुत टफ रहा। लेकिन इसमें ये हुआ कि जहाँ हम अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर है और जो हमारे जेई लोग हैं उन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, सहयोग रहा। क्या हाँ, बस हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग कर रहे हैं उन लोगों का पेशेंस के साथ करना पड़ता है। जैसे स्पेशली गवर्नमेंट जॉब का बात किया जाए तो इसकी प्रक्रिया ही काफी लेंदी होती है, लंबे टाइम के लिए चलती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है। इस क्या है उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली एफर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी फैमिली का तो सहयोग रहता ही है, मतलब मेरे केस में तो मेरे फैमिली का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, मम्मी पापा का, भाई बहन का। कांटी के लिए तो गर्व की बात है, क्या कुछ यहाँ के जो स्टूडेंट है उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या कांटी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है जो आपने? स्टूडेंट लोग को हम यही बोलना चाहेंगे ना कि जो भी चीज करने का है पहले सोच ले कि उनको क्या करना है, और जो भी करना है ना उसमें कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना होगा, मतलब कि धैर्य एफर्ट लगाने का होगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है जैसे बीपीएससी का स्पेशली देखा जाए तो 3 साल मेरा 2020 का चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए है उनके पापा जी हैं अनुप्रिया जी का, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम यही कहेंगे जी, जिस तरह से हमारी बच्ची मतलब पढ़ करके इंजीनियरिंग करके बीपीएससी कंप्लीट की है, ये भी जा करके बच्चे को पढ़ाए और अच्छा ढंग से बिहार का बच्चा प्रोग्रेस करे, यही मेरा कामना है। अच्छा, नगर परिषद कांटी के लिए तो गर्व की बात है, पहला बार जो है ऐसा निकला मतलब क्रैक की है, और क्या कुछ रहेगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं? तो स्टूडेंट जो तैयार कर रहे हैं वो लोग एक उद्देश्य लेके चले तब उनके उद्देश्य की पूर्ति होगी, अब ऐसा नहीं जो हाँ हम सरकारी जॉब के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए उनको समय देना होगा। अब 2017 से पास आउट होने के बाद आज 2023 में करेक्ट की है, बीच में 2 नौकरी भी पकड़ी और उसके बाद में 3रा मुकाम यह है, तो उसके लिए तो संघर्ष करना होगा।
कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान मतलब पढ़ाई के स्टार्टिंग में कारी साहू जी का है, उसके बाद में हमारे ग्रामीण और हमारे पूर्वजों का संस्कार कहिए, जिसके वजह से ही अच्छा आज हुआ है। चलिए, हमारे साथ जो है वार्ड पार्षद जी हैं चंदन जी, क्या कहेंगे आज जो है आपके वार्ड का जो है परचम लहरा दिया पूरा नगर परिषद सहित देश में भी अब चर्चा होगी, क्या कहना? हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि हम यहाँ जनप्रतिनिधि बने कांटी नगर परिषद वार्ड संख्या 3 से, और हमारे रीजन में ही एक आध दो तीन महीना हुआ चुनाव के, और हमारे गांव के और हमारे मोहल्ला के और हमारे वार्ड के बच्ची एक जो पहले से ही सरकारी जॉब में थी ही और फिर BPSC निकाली है, तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। और सबसे पहले बात तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उनके माता पिता को कि एक किसान परिवार में रहकर और अपना जीविका अर्जन करते हुए और बच्चा को इस तरह का संस्कार दिए। सबसे पहले अपने तहे दिल से ये दोनों माता पिता को बहुत बहुत बधाई, और उस बच्ची को भी बहुत बहुत बधाई जो एकदम एक नौकरी असते हुए भी फिर से मेहनत करके और BPSC निकाली। इसके लिए कांटी नगर परिषद क्या पूरे बिहार में नाम रोशन करने का काम किया है, और सबसे ज़्यादा गौरव हमें होगी क्योंकि हमारे वार्ड की बात है और कांटी नगर परिषद में 3 नंबर वार्ड का एक बच्ची आप लोग के सामने रिजल्ट है, इसमें विशेष हम क्या कहें, बड़ी गौरव की बात है। चलिए, अभी जो है खास बातचीत करने के लिए जो है अभी हम थे नगर परिषद कांटी के ढेमहा में, जहां पे जो है UPSC जो है क्रैक कर चुकी है अनुप्रिया के घर पे थे, और आपको बता दें कि अनुप्रिया के द्वारा कहा गया कि संघर्ष के साथ जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले जाते जय हिंद जय भारत।